हाँ चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 64। स्टार्ट करें, चलो पेज नंबर 64 पे आ जाओ फटाफट। हाँ तो कंपनी लॉ कंटिन्यू कर रहे हैं अपने, चैप्टर नंबर 2C चल रहा है अपना, बस बातें नहीं है। स्वेट इक्विटी वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में अपने ईसॉप वाले पे बात कर रहे थे ना, तो हर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि चैप्टर में अलग अलग स्कीम्स हैं, राइट शेयर्स की हमने बात की वो अलग कैटेगरी, बोनस शेयर्स अलग कैटेगरी, ईसॉप वाली कैटेगरी अलग, वैसे यहाँ पे एक और कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स का जो मेन सेक्शन है दैट इज 54, और ये कौन सी कैटेगरी के शेयर्स हैं, किसको ऑफर हो रहे हैं वो भी एक बार बात कर लेते हैं। तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, अगेन ये एम्प्लॉयज को ही ऑफर होते हैं, बट दिस इज अगेन डिफरेंट एज कम्पेयर टू ईसॉप। ईसॉप वाली स्कीम का पर्पस टोटली डिफरेंट है, स्वेट इक्विटी का रीजन टोटली डिफरेंट है। ईसॉप इज अ पॉलिसी, वो एक ऐसी स्कीम है जो हर एम्प्लॉय को ऑफर की जाएगी जो भी उस कैटेगरी में है, जो भी उस लेवल पे बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं। उसमें ऐसा है कि आपने पर्सनली इंडिविजुअली कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स किए, उनका कुछ बेनिफिट करवाया, कोई ऐसी डील करवाई जो आपके एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हुई, अदरवाइज नहीं होती। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फिर उस केस में ये होगा कि आपको ये चीज़ जो है वो स्वेट इक्विटी के फॉर्म में ऑफर की जाएगी। तो जो वर्ड है स्वेट इक्विटी वाला जो वर्ड है वो उसी बेसिस पे उन्होंने डिराइव किया कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड किया जा रहा है, एक रिवॉर्ड स्कीम की तरह आपने समझ सकते। क्लियर, आगे समझ में। अब देखो स्टार्टिंग में डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन का रेफरेंस आपको सेक्शन 2 से मिलने वाला है, इम्प्लाइड, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनकी डील्स भी ना कॉरपोरेट में होती रहती है। मतलब किसी का पेटेंट परचेज कर लिया, कॉपीराइट ले लिया, जो उसका ट्रेडमार्क था ब्रांड नेम खरीद लिया, ये सब एक्विजिशन जो है रेगुलर बेस पे चलते रहते हैं। अब ये एक्विजिशन कहीं ना कहीं ह्यूमन टैलेंट पे भी डिपेंड करते हैं। आज किसी से कोई भी डील करने में आपका टैलेंट भी तो मैटर करता है कि आपको बात करनी आती है या नहीं, आप डील क्रैक कर सकते हो या नहीं, सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो कि नहीं, और सही प्राइस पे वो डील को लेके आ सकते हो क्या नहीं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो कंपनी की तरफ से जो भी प्रोफेशनल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने इस लेवल पे पर्सनली मेहनत करके कंपनी के लिए वो पेटेंट कॉपीराइट जो है वो अवेलेबल करवाया, उसको परचेज करने के लिए पूरा डील किया, और अब कंपनी उस पेटेंट को यूज़ करके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएगी, रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी, तो क्यों ना उस ऑफिसर को भी एक रिवॉर्ड दिया जाए कि भाई आपने जो एफर्ट किया है उसके बिना शायद ये पॉसिबल नहीं था, तो कंपनी आपको रिवॉर्ड करना चाहती है। अब रिवॉर्ड करने वाली सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैश में पैसे दे दिए और ऐसा, कंपनी वो बर्डन भी नहीं लेना चाहती, तो इससे बेटर क्या है, शेयर्स ऑफर कर दो। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स फ्री नहीं होते, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, किसी एक का पूरा फायदा नहीं हो रहा। तो कंपनी क्या करेगी, जैसे हमने देखा राइट शेयर्स वाले में डिस्काउंट पे दे दिया, ईसॉप वाले में डिस्काउंट पे दे दिया, वैसे ही स्वेट इक्विटी शेयर्स भी आपको डिस्काउंट पे ही ऑफर किए जाते हैं। आया समझ में। तो जो मार्केट प्राइस है उसके कंपैरिजन में एक बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको वो शेयर्स मिल जाएंगे, एंड अगेन ये आपकी चॉइस है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं, क्योंकि बाकी पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो ऐसा फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं नहीं लेना ही पड़ेगा। गिफ्ट दे रहे हो किसी को तो आप फोर्सफुली पकड़ा सकते हो कि भाई गिफ्ट है आप रख लो, सामने वाला भी दो चार बार ना बोलेगा, मन नहीं होगा फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए ना बोलेगा, बोले नहीं नहीं ठीक है चलो ले आए तो फिर दे दो, ऐसे नहीं भी लाते तो चलता, वो एक अलग बात है। स्वेट इक्विटी में तो आप उनसे पैसा भी मांग रहे हो, तो इसमें फिर ये है कि एक ऑप्शन दे दिया कि हम आपको रिवॉर्ड करना चाहते हैं, आपको ये एक्सेप्टेबल है तो आप बाकी का पे करके शेयर्स अपने नाम पे कर लो, अदरवाइज इट इज़ ओके। तो स्वेट इक्विटी का ये कंसेप्ट रहे। आगे जो उसका रूल है उसके अंदर भी क्लैरिटी दी हुई है उन्होंने कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ के लिए अवेलेबल होता है, क्या उसका क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। तो सबसे पहले बोला जो एम्प्लॉय वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पूरे सेक्शन में उसका मतलब क्या है, तो बोला परमानेंट एम्प्लॉय, जो कंपनी में या तो इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया के बाहर काम कर रहा है, ये सिमिलर अपने ईसॉप वाले में भी तो सेम पॉइंट ही देख रहे थे, वैसे ही हो गया। अब इसमें पहले ऐसी कंडीशन थी फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब पहले एक साल में उस एम्प्लॉय का स्वेट इक्विटी ऑफर नहीं कर सकते जब तक उसका 1 ईयर कंपनी में पूरा ना हो जाए। अब ये पॉइंट इन्होंने हटा दिया, इसका मतलब अब ये कंडीशन जरूरी नहीं, आप उसके पहले भी ऑफर कर सकते हो। उसके बाद अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर अ होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, इनको आप स्वेट इक्विटी ऑफर करो, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को भी ऑफर कर सकते हैं। एन एम्प्लॉय और अ डायरेक्टर एज डिफाइंड इन द गिवन क्लॉजेस अबव ऑफ अ सब्सिडरी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया और होल्डिंग कंपनी, ये भी चलेगा, तो होल्डिंग सब्सिडरी वालों को भी ऑफर कर सकते हैं।
ऊपर एक टर्म यूज किया था डेफिनेशन में, अगर आपने देखा हो, आईपीआर और वैल्यू एडिशंस, है ना। वो वैल्यू एडिशन वर्ड का क्या मतलब है वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया, हमने इतनी डिटेल में बात कर ली, उसमें कवर हो ही गया, आपको सिर्फ एक बार उसको रीड कर लेना तो भी इनफ है, कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया सेक्शन 54। तो 54 सेक्शन में और क्या कंडीशंस आने वाली है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लायंसेस वाला पार्ट है ये। सबसे पहले तो बोला है कि आपको स्वेट इक्विटी ऑफर करने के लिए सेक्शन 54 का जो रेफरेंस दिया उसमें लिखा है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 53। वे स्टार्टिंग में लाइन लिख दी, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? 53 सेक्शन किस बारे में बात कर रहा था, याद है किसी को? 53 इशू ईसॉप के बारे में बात कर रहा था, किसी को सेक्शन याद है 53? नहीं, 52 वाले में बात हो रही थी प्रीमियम की, 53 में बात हो रही थी डिस्काउंट की, ठीक है। तो 53 वाला सेक्शन डिस्काउंट था, उसमें हमने सब सेक्शन 2A भी देखा था, वो पॉइंट पे बात कर रहे थे हम, हमने देखा दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू डिस्काउंट, और उसमें बोला था कि आप डिस्काउंट पे शेयर ऑफर कर सकते हो, लेकिन 53 नॉर्मली क्या बोल रहा था, डिस्काउंट पे शेयर ऑफर करना अलाउड है? नहीं है। तो फिर 54 और 53 कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो गया? 53 बोलता है डिस्काउंट पे शेयर ऑफर नहीं कर सकते, 54 बोलता है स्वेट इक्विटी में आप डिस्काउंट दे सकते हो, तो ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्शन में जा रही है, तो इसलिए सेक्शन के स्टार्टिंग में लिख दिया नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 53 जो बोलता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ओवरराइड करेंगे। तो 54 53 को ओवरराइड कर जाता है इस सेंटेंस की वजह से, इसलिए ऐसा लिखा होगा। फिर आगे, अ कंपनी कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड इन द फॉलोइंग कंडीशन, मतलब शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में घूम रहे हैं उसी टाइप के शेयर है, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन में ऑफर किए जा रहे हैं। तो इसमें कंडीशन पहली तो इम्प्लाइड थी स्पेशल रिजोल्यूशन, वो तो आना ही था, वो एक वर्ड पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन क्लैरिफाई होनी चाहिए, कितने शेयर आपने ऑफर किए, अभी मार्केट प्राइस क्या है, आप उसके बदले कितना कंसिडरेशन मांग रहे हो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो, वो पता होना चाहिए, और कौन से एम्प्लॉयज़ को ये ऑफर कर रहे हो, किस बेस पे। तो इन शॉर्ट पूरी स्कीम की डिटेल्स रिजोल्यूशन में आपको मेंशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहे हैं एज ऑन द डेट ऑफ इशू एटलीस्ट 1 ईयर शुड हैव इलैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंपनी हैज कमेंस्ड बिजनेस। अब ये ऊपर जो 1 ईयर वाला पॉइंट कट किया था वो और ये सेम है या डिफरेंट है? वहाँ क्या बात हो रही थी, एम्प्लॉय को 1 साल हो जाना चाहिए, वो बात हटा दी, एम्प्लॉय को कंपनी में 1 साल नहीं भी हुआ है तो भी स्वेट इक्विटी ऑफर कर सकते हैं। यहाँ बोला है कंपनी को खुद एग्जिस्टेंस में आए हुए एटलीस्ट 1 साल होना चाहिए, तो कंपनी अपने फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस में स्वेट इक्विटी ऑफर नहीं कर सकती, सेकेंड ईयर से कर सकती। तो दोनों पॉइंट्स को ना 1 ईयर देख के रिलेट मत कर लेना, दोनों अलग है। नेक्स्ट पॉइंट में बोल दिया अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट के साथ साथ सेबी रेगुलेशंस भी आपके बाय डिफॉल्ट इम्पोज हो जाएंगे। लिस्टेड कंपनीज पे सेबी के रेगुलेशंस एड ऑन हो जाते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। अनलिस्टेड एंटिटीज के लिए सेबी की गाइडलाइंस रहती है जो कंपलसरी नहीं है, उनको सिर्फ कंपनीज के रूल्स फॉलो करने होते हैं वैसा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। फिफ्थ पॉइंट में बोला कंपनी हु शेयर्स आर नॉट सो लिस्टेड ओके शैल इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन कंप्लायंस विद द रूल्स। ये जस्ट मैंने आपको बोला कि लिस्टेड एंटिटी के लिए सेबी रेगुलेशंस, अनलिस्टेड के लिए कंपनी के रूल्स, तो कंपनीज रूल्स 2014 उनके लिए मैंडेटरी होता है, ऐसे डिवीजन किया हुआ है, और ये कॉमन पॉइंट। आगे देखें नेक्स्ट, होल्डर्स ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू बी रैंक्ड पेरी पासू विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये पेरी पासू वर्ड का मतलब क्या है, कुछ आइडिया? ये EET में भी मैंने आपको लीगल टर्म्स में समझाया हुआ है, तो EET वालों ने भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, याद है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन पता तो है, पेरी पासू मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब है सेम रैंकिंग, इक्वल फुटिंग, इक्वल रैंकिंग, दैट इज कॉल्ड पेरी पासू। और तब मैंने आपको बोला भी था कि आगे कंपनी लॉ में टर्म आएगा, आज वो दिन आ गया और उसके लिए आपने बड़ी मेहनत की, पास होके आए हो तभी ये सीखने को मिल रहा है, और ठीक है। तो पेरी पासू वाला जो टर्म है उसका मतलब है इक्वल रैंकिंग। अब बेसिक तरीके से बात कर लें कि क्यों ये बोला हुआ है, जैसे नॉर्मल शेयर होल्डर्स है, सपोज ऐसा है कि अपने इतने लोग यहाँ बैठे ना, आप सब लोग ये दो रो में जितने बैठे हैं, आप सब लोग ना नॉर्मल शेयर होल्डर्स हो जिन्होंने पूरे पैसे दे के अलग अलग टाइम पे शेयर्स खरीदे होंगे, और आप सब लोग वो हो जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो जिनको पास्ट में स्वेट इक्विटी ऑफर हुआ। स्वेट इक्विटी ऑफर होने का मतलब डिस्काउंट मिला होगा, तो आपने पूरे पैसे नहीं दिए लेकिन आपको वही शेयर मिला। अब इन लोगों में, नॉर्मल इन्वेस्टर्स में और ये स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स में, एज अ शेयर होल्डर डिफरेंशिएट किया जाएगा या दोनों को सेम रैंकिंग पे रखा जाएगा? अगर कंपनी की जनरल मीटिंग है तो ये लोग भी आए, आप लोग भी आए, बोले हम आगे बैठेंगे, हमने पूरे पैसे दिए, जो डिस्काउंट वाले पीछे जाओ, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा बिहेवियर थोड़ी ना चलेगा। अच्छा, कंपनी वाइंड अप हो रही है, सपोज लिक्विडेशन में जा रही है, सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस दिया जा रहा है, तो इक्विटी वाले तो सब एक लेवल पे ना, और प्रेफरेंस वाले तो अलग ही होते हैं। अब इसमें भी झगड़ा हो रहा है, आप लोगों ने बोला नहीं हमने तो ज़्यादा पैसे दे के शेयर खरीदे थे और पूरा पेमेंट किया था, हमें पैसा पहले मिलना चाहिए,
आप लोग बाद में चार्ज करना क्योंकि आपने तो पूरे पैसे दिए भी नहीं, तो ऐसा कहीं पे भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिविडेंड के टाइम पे भी आप ऐसे ही बोलोगे, वोटिंग राइट के टाइम पे भी ऐसे झगड़ा करोगे, तो ऐसा है नहीं। तो ये सेक्शन में क्लियर कर दिया गया, ऐसा भेदभाव नहीं होगा कि स्वेट इक्विटी वाले अलग हैं या कुछ पीछे हैं और आप लोग कुछ ज्यादा सुपीरियर हो, कुछ नहीं। एक बार इनको इक्विटी शेयर अलॉट हो गए तो एज अ शेयर होल्डर आप सब लोग एक बराबर हो कंपनी की नजर में, ऑल आर इक्वल। तो उसको बोलते हैं पेरी पासू क्लॉज, ठीक है, सेम रैंकिंग। नेक्स्ट, अब इसके साथ आ गया रूल। रूल में देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये स्टोरी आपको पता ही है क्या करना है, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरा रीड नहीं करा रहा हूँ, आप पढ़ के देख लेना, कुछ नया मिलेगा नहीं उसमें। फिर बोला है जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं ना आगे, देख स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन नेसेसरी है, ये भी एक कॉमन प्रोविजन है जो बार बार आता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए जो रिजोल्यूशन पास किया स्पेशल रिजोल्यूशन, उस रिजोल्यूशन की भी एक अपनी वैलिडिटी होती है, एक्सपायरी डेट होती है, एंड दैट इज यूजुअली 12 मंथ्स। कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करो तो उसमें जो पास हुआ है वो इंप्लीमेंट भी तो करो, एग्जीक्यूशन तो करना है। वो एग्जीक्यूशन के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स में अगर आपने ये स्वेट इक्विटी अलॉट नहीं किया तो रिजोल्यूशन लैप्स हो गया, अब फिर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर अब अलॉटमेंट करना है तो ये वैलिडिटी रखी हुई है। उसके बाद फिर डबल वापस मेहनत हो जाएगी, फिर जनरल मीटिंग बुलाओ, नोटिस भेजो, स्टेटमेंट बना के दो, वोटिंग करवाओ, इससे तो बेटर है एक बार में काम ठीक से कर लो, ठीक है, कंडीशन क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद लिमिट ऑन द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये मॉनेटरी लिमिट है। इसका मतलब ये है कि आपकी टोटल कैपिटल में, आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा स्वेट इक्विटी वाला हो सकता है, उसकी एक मैक्सिमम कैप यहाँ पे दी हुई है, वो देख लेते हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो बोला कि आपकी एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल जो है किसी भी साल में उसका 15%, ये रेशियो रखा है कि 15% स्वेट इक्विटी वाले हो सकते हैं, बाकी के नॉर्मल इन्वेस्टर्स, अदर इन्वेस्टर्स होने चाहिए। और अगर एब्सोल्यूट नंबर में देखें तो बोला शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ ₹5 करोड़, तो या तो 15% पेड अप कैपिटल का या फिर 5 करोड़ रुपए, दोनों में से विच एवर इज हायर, तो ये कंडीशन रहेगी। अब ये तो ईयरली बेसिस पे है ना, 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप शेयर कैपिटल इन अ ईयर, अगले साल अगर पेड अप कैपिटल बढ़ गई तो 15% में भी तो फर्क आ जाएगा, मैथ्स है। 1 करोड़ की कैपिटल थी लास्ट ईयर तो 15 लाख के स्वेट इक्विटी अलाउड थे, अब हमने और कैपिटल रेज किए 1.5 करोड़ हो गया है, तो 15 लाख भी तो फिर 20-22 लाख पे चला जाएगा ना 15% के हिसाब से, तो ये सब चीज़ें तो चेंज होती रहेंगी। अब इसमें बोला है कि ये जो 5 करोड़ की जो वैल्यू है और जो 15% की वैल्यू है ये ईयरली बेसिस पे हम देख रहे हैं, लेकिन इन सब लिमिट्स के ऊपर एक ओवरऑल लाइफ टाइम मैक्सिमम कैप है जिसके ऊपर जाना तो कोई कंडीशन में पॉसिबल है ही नहीं। और वो सेकेंड पॉइंट में बोला है दैट इज 25%, तो बोले ईयरली बेसिस पे आप हर साल पेड अप कैपिटल का 15% या 5 करोड़ के स्वेट इक्विटी ऑफर कर सकते हो, लेकिन ये एड ऑन होते होते टोटल कहाँ तक जा सकता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपकी पेड अप कैपिटल का 25%, उससे ऊपर तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, आया समझ में। तो ईयरली लिमिट 15% एंड 5 करोड़ विच एवर इज हायर, और ये हर साल अगर इशू होते जा रहे हैं परसेंटेज में तो क्यूमुलेटिव टोटल 25% की मैक्स लिमिट रहेगी, इससे आगे नहीं जाना है, तो ये कंडीशन आपको वैसे ही मेंशन करनी। प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला, प्रोविजो आ गया फॉर स्टार्टअप कंपनीज, कल भी बात हो रही थी ना स्टार्टअप वाले, अमेंडमेंट भी था 5 साल का 10 साल हो गया, ठीक है, तो 10 ईयर्स तक स्टार्टअप कंपनी माना जाएगा किसी को, तो उनके केस में बोल रहे हैं कि ये कंडीशंस जो हैं 25% वाली या ये 15% वाली, ये सब कंडीशंस आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों कंडीशन बोला ऊपर 1 और 2, दोनों कंडीशंस पहले 10 साल तक अप्लाई नहीं होंगी। तो फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ योर कंपनी उसमें आप ईयरली बेसिस पे 15% से ज़्यादा स्वेट इक्विटी दो, 5 करोड़ से ज़्यादा, या ओवरऑल 25% से ज़्यादा भी चल रहा है तो भी चलेगा। हाँ, 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद आपको फिर लेवल पे आना पड़ेगा, तो जो 25% से ज़्यादा दिख रही है ना स्वेट इक्विटी, या तो उसको बाईबैक करो या और कैपिटल रेज करके टोटल कैपिटल बढ़ा दो, तो वो परसेंटेज अपने आप 25 के नीचे आ जाएगा, मैथमेटिकली आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, आया समझ में। अब ये सारे रूल रेगुलेशन अपने को ध्यान रखने होते हैं कंपनी में एज ए सीएस, रिकॉर्ड्स में ये सब चीज़ें गड़बड़ चल रही है, आप ध्यान नहीं दोगे तो बाद में जब ट्रेस होगी आरओसी की तरफ से तो पेनल्टी लगती है हर चीज़ की, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंगली ही पढ़ रहे हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉक इन पीरियड की बात हो रही है स्वेट इक्विटी, कल ईसोप में था कुछ लॉक इन पीरियड, 1 ईयर लॉक इन पीरियड था या वेस्टिंग पीरियड था, वेस्टिंग पीरियड, लॉक इन तो था ही नहीं ना, कम मैंने बोला कंपनी में डिसाइड, लेकिन यहाँ पे स्वेट इक्विटी में लॉक इन है और ये एक्ट की तरफ से है तो फॉलो करना पड़ेगा। कितना लॉक इन बोला है, 3 ईयर्स का, 3 साल तक आप वो शेयर बेच नहीं सकते, आपको अलॉट हो गए ना 3 साल तक होल्ड करो, फिर जो करना है बेचना है बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक का लॉक इन रहेगा। अब ये कंपेरिजन का पॉइंट ध्यान रख लो, ईसॉप में लॉक इन नहीं होता है, स्वेट इक्विटी में लॉक इन होता है, यहाँ 3 ईयर्स का लॉक इन है, वो 1 ईयर जो आपने बोला वेस्टिंग पीरियड था, कि कम से कम 1 साल वो एम्प्लॉय पूरा कर ले ऑप्शन मिलने के बाद, उसके बाद वो शेयर खरीद सकता है, तब तक के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, वो डिफरेंट कंडीशन थी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वैल्यूएशन का, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और रिक्वायर्ड था,
बहुत सिंपल है कंडीशन लेकिन जरूरी है। वैल्यूएशन का मतलब ये है कि देखो हम स्वेट इक्विटी एज ए रिवॉर्ड ऑफर कर रहे हैं ना, कि आपने मेरा कुछ बेनिफिट कराया मेरी कंपनी का तो उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड दे रहा हूँ। अब जो रिवॉर्ड हम दे रहे हैं और जो बेनिफिट हुआ उसका कुछ कोरिलेशन है या कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कितना बेनिफिट हुआ और कितना रिवॉर्ड देना है आपस में लिंक होगा या नहीं होगा। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कितनी बार नहीं होता कि जैसे आपका वॉलेट गिर गया कहीं पे, पर्स गिर गया, किसी ने आपको चीज़ दे दी कि बोले गिर गया था ये आप रख लो, या आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गिर गया आपको किसी ने लौटा दिया, तो होता है अपने उसको या थैंक यू बोलने के लिए कोई अमाउंट अपन ने उसको ऑफर कर दिया, जस्ट ऐसा थैंक यू, ऐसा नहीं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो अमाउंट देने का मतलब क्या है कि चलो आपने हमारा नुकसान होने से बचा लिया। तो आपको उसको वो अमाउंट जो दे रहे हो वो आपके वॉलेट और मोबाइल की वैल्यू से कुछ रिलेट करता है या कितना भी पे कर सकते हैं? 10,000 का मोबाइल था, आपने उसको गिफ्ट में 20,000 रुपये दे दिए, बोले यार तूने मेरा मोबाइल बचा लिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है, मतलब भगवान के रूप में आया, जो जेब में पैसे हैं सारे ले जा, मोबाइल 10,000 का था जेब में 20 थे पूरे दे दिए, ऐसा होता है? वॉलेट में 500 रुपये थे, वॉलेट उसने लौटा दिया, आपने 1,500 रुपये दे दिए, 1,100 रुपये, 1,100 देने में भी शगुन का अमाउंट लगता है, 1,100 ले जा, तो वो तो इसे तो वॉलेट खो जाता, सस्ता नहीं पड़ता आपको। तो जितनी वैल्यू है जो आपका बेनिफिट हुआ आप उसी में से किसी को रिवॉर्ड करते हो ना, ये एक बेसिक बात है यहाँ पे। तो जो IPR या जो भी वैल्यू एडिशन वो एम्प्लॉय ने आपके लिए करवाया उससे आपकी कंपनी का जितना बेनिफिट होना है आप उसका एक परसेंटेज ही तो रिवॉर्ड करोगे सामने वाले को, 1%, 2%, 5%, 10%, उससे ज़्यादा क्या। तो बोला है कि वो रिलेट करना या ज़रूरी है, तो जितना बेनिफिट कंपनी का हुआ उसके सामने जितना उसको ऑफर दिया गया उसको एक वैल्यूएशन के बेस पे ट्रीट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ की वैल्यूएशन होगी, जो IPR उसने दिलवाया उससे कंपनी को एक्चुअल में कितना फ़ायदा होने वाला है वो गिन लो, और जो आप उसको शेयर ऑफर कर रहे हो उसमें आपको कितना उसको डिस्काउंट आइडियली देना चाहिए कि वो रिवॉर्ड उस तक पास ऑन हो जाए एक रेशियो में जो सही है, जो मतलब बनता है लेजिटिमेट है उस तरीके से। तो ये सब वैल्यूएशन कौन करेगा? तो बोला वैल्यूएशन के लिए ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, और ये आप भी ध्यान रखना एज अ CS आप भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो। अपने सूरत में 2-3 कंपनी सेक्रेटरीज हैं रिसेंटली जो काफ़ी सीनियर है, उन्होंने किया भी था, हमारे ग्रुप में बात हो रही थी वो बता रहे थे, तो बोले ICSI की तो अपनी डिग्री है वो तो अपने प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, बट रजिस्टर्ड वैल्यूअर का अलग से कोर्स होता है, वीकेंड पे क्लासेस रहती है आपको अटेंड करनी होती है, तो उसमें आपको ना वैल्यूएशन सिखा रहे हैं, और लास्ट में आपकी एग्जाम्स होती हैं एज अ प्रोफेशनल भी आपकी वापस उसमें एग्जाम होगी, और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि नाउ यू आर अ सर्टिफाइड रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो अगर किसी कंपनी का IPR, उनके शेयर्स, उनकी असेट्स, ये सबको वैल्यू करना है और ऑफिशियल वैल्यूएशन करनी है तो आप सर्टिफिकेट पे साइन करके अपने नाम से दे सकते हो कि ये वैल्यू मैंने निकाली और ये जेन्यून है, ये चीज़ होती है। बाकी भी आप देखते हो ना ज्वेलर्स में भी तो लिखा होता है गवर्नमेंट अप्रूवर अप्रूव्ड वैल्यूअर, कभी देखा उनके शोरूम के बारे में मेंशन करते हैं, तो वो अप्रूवल लेना पड़ता है कि कोई भी ज्वेलरी लेके अगर मेरे पास आएगा तो वो ज्वेलरी की सही वैल्यू बताने के लिए मैं केपेबल हूँ, रिकग्नाइज और ऑथोराइज हूँ, और मेरा दिया हुआ सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। तो वैसे ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर आप भी बन सकते हो एज अ CS अगर आपको आगे उस फील्ड में काम करना है, और अच्छी फीस मिलेगी ना, वैल्यूएशन करोगे सर्टिफिकेट दोगे तो कंपनी पैसा तो पे करेगी आपको, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक एड ऑन आप अपने CS के साथ ये काम भी कर सकते हो। तो ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर की यहाँ पे बात हो रही है कि उसके थ्रू वैल्यूएशन करवा के ही फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, ये बड़ा सिंपल है। आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए, मतलब डिस्काउंट तो दिया, 100 का शेयर आपको 60 रुपये में दे दिया होगा और क्या, बट वो 60 तो पे करना पड़ेगा। हो सकता है वो 60 कैश में ना पे करके किसी असेट के फॉर्म में पे कर दो, वो भी चलेगा। कंपनी कोई ऑफिस कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच ही रही थी, साथ साथ में स्वेट इक्विटी का मैटर निकला, कंपनी ने बोला कि भाई इतना पेमेंट करके आप स्वेट इक्विटी ले लो, आपने बोला कि यार कोई प्रॉपर्टी की बात चल रही थी कंपनी में, प्रॉपर्टी दे दो चलेगा, मेरे पास एक शॉप पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी है मुझे भी बेचनी है, तो क्यों ना हम एक्सचेंज ही कर लें, तो मैं आपको ना स्वेट इक्विटी का पैसा कैश में नहीं दूंगा, आप मेरे से नॉन कैश में असेट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, फेयर ट्रांजेक्शन है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मैच कर लेंगे कि जितना 60 रुपीज मुझे आपको देना है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके बराबर हो रही है कि नहीं हो रही, कुछ डिफरेंस है तो बाकी कैश सेटल कर लेंगे, तो ऐसा नॉन कैश कंसिडरेशन भी हो सकता है, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, ठीक है। सर इसमें देखो ए और बी पॉइंट बोले नॉन कैश वाले में, ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, मतलब ना वो कैपिटलाइज कब करना है, किसी भी असेट को बैलेंस शीट में कब लेके जाना है, और PNL में एक्सपेंस की तरह कब क्लेम करना है, तो क्या रूल होता है उसमें। अगर कोई असेट कोई गुड्स जिसकी लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा है तो अपने क्या करते हैं उसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं, असेट की तरह कैपिटलाइज करते हैं और डेप्रिशिएट करते हैं, यही होता है। वही अगर 12 मंथ से पहले उसका बेनिफिट मिल जाने वाला है, यूज़ हो जाने वाली, तो क्या करते हैं PNL में ले जाके उसको एक्सपेंस कर देते हैं। ए और बी पॉइंट में वही बोला है, ए में डेप्रिसिएशन की बात की, सेकंड में एक्सपेंस वाली बात की, तो ये अकाउंटिंग वाला पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन। अब ये मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन अपना अभी बाकी है, बहुत दूर की बात है, चैप्टर नंबर 17 तो वहाँ पे ये पूरा डिस्कस होने वाला है, जो सेक्शन आपको दिख रहा है ना 197-198 अपने सिलेबस में है, बट उस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिक बात ये है कि डायरेक्टर्स को जो भी पैसा मिलता है कंपनी से
दैट इज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजमेंट करने की वो फीस चार्ज कर रहे और कुछ नहीं है। तो जो स्वेट इक्विटी में जो आपका फायदा हुआ, 100 रुपीज का शेयर 60 में दिया, जो 40 रुपीज है, क्या उसको अपने रेम्यूनरेशन का पार्ट माने या नहीं माने, सिर्फ यहाँ पे डिसाइड करना है। तो जो बोल रहा है रूल अपने मान लेते हैं, अभी उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो बोला है अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वो माना जाएगा इंक्लूडेड है इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो कंडीशनल है, पहला स्वेट इक्विटी शेयर्स या डायरेक्टर या मैनेजर को ऑफर हुए हो तो ही, वो इम्प्लाइड है क्योंकि ये उनके लिए ही सेक्शन बने हुए हैं, एंड दे आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश which does not take the form of an asset which can be carried to the balance sheet of the company in accordance with the applicable accounting standard। इसका मतलब वो जो ऊपर A और B point आप देख रहे थे, उसमें से अगर आप B point में cover हो रहे हो तो ठीक है expense वाले में, तो फिर यहाँ पे managerial remuneration का part वो माना जाएगा, otherwise नहीं। ठीक है, तो if and then चल रहा है, conditions याद रखनी पड़ेंगी। बस अब climax पे आ गए अपने, ज़्यादा कुछ बचा नहीं। Sweat equity shares and compensation aspect मैं बता चुका हूँ, रिपीट पॉइंट है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में आपको जो डिस्काउंट दिया ना, उस पे जो स्वेट इक्विटी शेयर्स में आपको जो डिस्काउंट दिया ना, वो डिस्काउंट एक तरीके का कॉम्पनसेशन है ना, ऐसा बोल सकते हैं। आपने कंपनी के लिए जो एफर्ट्स किए उसका आपको कॉम्पनसेशन दिया, ये ध्यान रखना। इसमें इससे ज्यादा कोई पॉइंट है नहीं, तो वो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। और उसमें वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात रिपीट की है, तो वो सेम पॉइंट है। 13th और 14th रिपीट पॉइंट रहेगा पूरा। बोर्ड्स रिपोर्ट वाली स्टोरी ध्यान है आपको, लास्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं और पूरा डिस्क्लोजर करते हैं कि पूरे साल में ये सब ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, ये वो लिस्ट है। तो जैसे वो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट था वैसे यही आंसर है। और लास्ट पॉइंट भी मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, वही अपना सेक्शन 88 वही स्टोरी आ रही, ये सब बार बार आता रहेगा, खाली फॉर्म नंबर चेंज होता है और कुछ नहीं। ओके, तो अपने स्वेट इक्विटी की पूरी स्टोरी जो है वो कंप्लीट, बाकी टॉपिक्स तो बड़े ही हैं आज नहीं रखेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट एक बचा है, और क्या बाकी है इसमें, राइट इशू और ईसोप दोनों हो गया है ना, मतलब आपका एक प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक बचा है तो वो कल ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्कीम हैवी थी, फिर उसमें भी टाइम जाएगा। इतना ही रखो, बहुत है इसमें।